इस वर्ष में विदिशा पुलिस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खेप के रूप में अवैध शराब जब्त की गई है। सीएसपी विकास पांडे के अनुसार मुखबिर की सूचना पर भोपाल से सागर की ओर जा रहे एक ट्रक को जब्त किया गया है। गुलाबगंज पुलिस द्वारा ग्राम खरी में यह कार्यवाही की गई। बताया गया कि ट्रक रोकने पर शराब होने और उसके कागजात के बारे में पूछताछ की गई, जिसके बारे में कोई जानकारी मौके पर मौजूद दो व्यक्तियों द्वारा नहीं दी गई। उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए गुलाबगंज थाने ले जाया गया। सीएसपी ने बताया कि उक्त वाहन में 306 पेटी अंग्रेजी शराब की मौजूद है, जिसकी अनुमानित कीमत 40 से 45 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब कहां से कहां ले जाई जा रही थी, किस ठेकेदार की है, इसके बारे में बारीकी से पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में गुलाबगंज थाना TI हरिकिशन लोहिया कुछ भी बताने से बचते नजर आए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। मुखबिर से सूचना मिली थी कि भोपाल से अवैध शराब सागर रूट से जा रही है, जिसको खरी के पास रोका गया और उससे परमिट के बारे में पूछा गया, जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, जिस पर से दो व्यक्तियों को कस्टडी में लिया गया और उनके पास से लगभग 306 पेटी शराब बरामद हुई है और जांच जारी है। इसमें लगभग 40 से 45 लाख के करीब है। थोड़ा सा और एग्जैक्ट डिटेल उनका वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा। कहाँ ले जा रहा है? अभी इनसे तफ्तीश कर रहे हैं कि ये शराब कहाँ ले जा रहे थे। अभी इनसे पूछताछ जा रही है। दो लोगों को अभी पुलिस ने साथ हिरासत में लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।